नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24, 25, 26 और 27 नवंबर के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। अब लेते हैं हमारी आखिरी राशि, मीन राशि यानी पाइसेस। आपके लिए 24 नवंबर का दिन ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। इस दिन आपको ऐसा लगेगा कि एक नया दिन है और इस नए दिन में आपको बहुत कुछ बनाने का मन करेगा। आप अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। कुछ नए विचार आपको इस प्रकार से प्रभावित करेंगे कि आपको लगेगा कि बस यहीं से रास्ता निकल जाएगा। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि 24 नवंबर के दिन की इस एनर्जी को वेस्ट ना जाने दें और जो नए विचार आपको आ रहे हैं उन विचारों को नोट करें, क्योंकि वास्तव में वे विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। 25 नवंबर के दिन आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे। इस दिन अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हुए भी तो भी आप उसको सजा नहीं देंगे और उसे माफ कर देंगे। 25 नवंबर के दिन चूंकि आपका दिल बहुत सॉफ्ट रहेगा, इसलिए दूसरे लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये जान जाएंगे कि दूसरा व्यक्ति आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और उसे फायदा उठाने देंगे। अगर आप कोशिश करें तो आप रेजिस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर आप नहीं कर सकते तो उसे कम से कम अगले दिन के लिए टाल जरूर दें। अगला दिन यानी 26 नवंबर आपके लिए धार्मिकता का दिन रहेगा। इस दिन अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर चिकनी चुपड़ी बातें करता है तो आप उसे ज्ञान देना शुरू करेंगे धर्म के, और आपके ज्ञान से पक करके वो भाग जाएगा। आप इस दिन बहुत ही उदार भी रहेंगे। आप इंटेंशनली किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और इंटेंशनली किसी को पकाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बातें इतनी उदार और धार्मिक टाइप की होंगी कि लोग थोड़ा सा बोर हो सकते हैं। अपने आप में थोड़ा स्थिर होने का दिन है। धर्म के प्रति झुकने का भी दिन है। ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। कुछ अच्छे ग्रंथों को पढ़ने का दिन है। आप चाहें तो इसे इस्तेमाल करके एंजॉय कर सकते हैं। 27 नवंबर के दिन जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। ईश्वर आपके जीवन में कुछ नया लेकर के आ रहे हैं और कुछ नया दे रहे हैं। उनकी हालांकि अनुकंपा तो बनी हुई है, लेकिन आपका विरोध उस अनुकंपा को रिवर्स कर सकता है, इसलिए विरोध प्रदर्शन ना करें और अपने आप को तैयार रखें ईश्वर के द्वारा दी जा रही सौगात के लिए। ईश्वर आपके लिए जो कुछ भी लाए हैं उसे वे अपने हिसाब से सेट करेंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हैं, लेकिन बाद में वे चीज़ें जब एडजस्ट हो जाएंगी तब आप जान जाएंगे कि चीज़ें आपके फेवर की थी। प्रेम संबंधों के लिए चारों दिन अच्छे हैं और बिल्कुल ऐसे ही व्यापार के लिए चारों दिन बढ़िया हैं, लेकिन व्यापारिक डिसीजन के लिए 27 नवंबर को अवॉइड करें तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, ये था राशिफल 24, 25, 26 और 27 नवंबर के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।